हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए जामिया 2018 का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को हैंडल करने से पहले जो उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म का यूज़ है लिमिट की, तो पहले उस कॉन्सेप्ट को हैंडल कर लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ये, सात इंडिटरमिनेंट फॉर्म मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखी है। इन सात में से जो भी फॉर्म अप्लीकेबल होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मूव कर जाते हैं आगे। पहली फॉर्म है 0/0, दूसरी है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तीसरी है 0 × इन्फिनिटी। अगर इन तीनों में से कोई भी फॉर्म बन रही है तो हम डायरेक्टली एल हॉपिटल रूल का यूज़ करेंगे। अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो हम पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। और अगर 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 बन रहा है कि फॉर्म आ रही है, तो हम पहले बोथ साइड लॉग लेंगे, उसके बाद हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। और सेवेंथ है कि 1 की पावर इन्फिनिटी, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म जनरेट हो रही है तो हम एंटी लॉग लेंगे, और एंटी लॉग में क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस 1 × gx से इसको सॉल्व करेंगे। बस एक यहाँ पे ट्रिक आपको देते चलूँ फटाफट। ट्रिक ये है कि जब मैं कोटा में था तो मुझे फैकल्टीज ने बताया था कि कैसे आप रिमाइंड करेंगे इन लास्ट की थ्री को। 0 की पावर 0 को हम बोल सकते हैं कटोरे पे कटोरा, इन्फिनिटी की पावर 0 को आप बोल सकते हैं इन्फिनिटी मीन्स ऊंट और 0 मीन्स जीरा, तो ऊंट के मुंह में जीरा। 1 की पावर इन्फिनिटी को आप बोल सकते हैं चीटी हाथी, 1 चीटी इन्फिनिटी हाथी। चीटी हाथी के केस में आपको एंटी लॉग में जाना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कंटिन्यूटी से है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, वो कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू जीरो पे, आप जो है उसकी फंक्शनल वैल्यू बताइए। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है। उसका बेसिक क्राइटेरिया ये है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स। फंक्शनल वैल्यू एट ए इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू एट ए। अगर फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवेन है ये कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि ये क्राइटेरिया ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रहा है। आप एक देखिए इसमें ए क्या है, ए वो पॉइंट पॉइंट है जहां पे कंटिन्यूटी का जिक्र किया जा रहा है। यहां पे वो पॉइंट क्या है, जीरो, यानी कि जीरो पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी का जिक्र कर रहे हैं। तो फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस है तो इसकी फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ जीरो किसके बराबर होगी, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एट जीरो। कैलकुलेट कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, फंक्शन क्या है एक्स प्लस 1 की पावर कॉट ऑफ एक्स। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। जीरो पुट करिए, जीरो पुट करेंगे हो जाएगा 1 1 cot of 0 infinity, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म जा रही है। ये क्या फॉर्म जा रही है, 1 की पावर इन्फिनिटी। अब 1 की पावर इन्फिनिटी आते ही आपको फौरन ये चीज आपके जहन में आनी चाहिए, आपके माइंड में आनी चाहिए कि सर ने क्या कहा था, ये चीटी हाथी का केस है। अगर चीटी हाथी का केस होगा तो फौरन एंटी लॉग में जाना होगा हमें। तो आइए एंटी लॉग में चलते हैं। ई टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स माइनस 1 × gx। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स वो फंक्शन है जो बेस में है। जी एक्स क्या है, जी एक्स पावर का फंक्शन है। तो यहां पे हम कौन सा फंक्शन लेंगे, एफ एक्स। चलिए मैं एक बार पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं, एफ एक्स माइनस 1 × gx। अब पुट कर दीजिए, मैंने आपको डिटेल बता दी है कि एफ एक्स क्या है और जी एक्स क्या है। एफ एक्स बेस का फंक्शन है, तो बेस का फंक्शन एक्स प्लस 1, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा एक्स। इंटू जी एक्स, जी एक्स क्या है, एक्स जो पावर में फंक्शन है वो जी एक्स होता है, तो इंटू कॉट ऑफ एक्स। लिमिट पुट कर दिए, 0 × cot of 0 infinity, 0 × infinity। अब 0 × infinity को आप क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/0, तो ये हो गया 0/0 फॉर्म। तो यहां पर भी कॉट एक्स को आप रिप्रेजेंट करिए 1/10x से, एक्स और कॉट एक्स को जब आप रेसिप्रोकल के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10x। ये हो गई 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म में क्या करते हैं, 0/0 फॉर्म में ये मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर रखा है, 0/0 फॉर्म में आप डायरेक्टली एल हॉपिटल का रूल अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे सेपरेटली और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे सेपरेटली। लिमिट ये हो जाएगा ई लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 10x का डिफरेंशिएशन sec² x। वैल्यू पुट कर दीजिए,
sec स्क्वायर जीरो कितना होता है, वन होता है, तो आपको आंसर मिल जाएगा e टू द पावर वन। sec x की वैल्यू वन होती है, sec स्क्वायर x की वैल्यू वन हो जाएगी, वन अपॉन वन दैट इज इक्वल टू वन, तो आंसर क्या मिल गया आपको, c। c इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।